Please subscribe to Mahi and Mani show and press on the bell icon to be updated with all our videos. Hello everybody, welcome back to my channel. So friends, ये मेरा थर्ड वीडियो है फिंगर अबाकस का. मैंने फिंगर अबाकस सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप फिंगर्स के थ्रू बिना कॉपी पेन के जस्ट फिंगर्स के थ्रू कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हो, भी बड़े बड़े कैलकुलेशंस. यस, सो ये उसका पार्ट थ्री है. एंड आप लोगों ने अगर पार्ट वन पार्ट टू सब नहीं देखा है देन लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो एंड सी फ्रॉम देयर. ओके, सो नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट थ्री के साथ और हम आगे का कंटिन्यू करते हैं. ओके, सो लास्ट क्लास में फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको कुछ होमवर्क्स दिए थे जो कि मैंने आपको समझाया था, लेवल वन के क्वेश्चंस बताए थे. तो उसमें मैंने आप लोगों को प्लस माइनस में ही कुछ होमवर्क दिए थे. यस, तो हम लोग पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं. आई होप आप लोगों ने अपना होमवर्क किया होगा. यस, तो आप अपने आंसर्स के साथ आप मेरे साथ फिंगर वापस से निकालते रहिए और चेक करिए कि आपने करेक्ट किया था कि नहीं. ओके, उसके बाद हम अपने नए टॉपिक की तरफ मूव ऑन करेंगे. ओके ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. सो प्रीवियस क्लास होमवर्क वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन के थे. सो 61 प्लस 23. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 61 निकालेंगे. सो 50 प्लस 10 60 एंड दिस इज 1. ओके, 61 प्लस 23 इसमें हमें ऐड करना. सो 20 ऐड करेंगे. सो 10 20 हो गया 20 एंड 3 ऐड करेंगे 1 2 3. यस, सो व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर? वेरी गुड, इट इज 80 एंड 4, 84. यस, सो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर जो मैंने आपको होमवर्क दिया था इसका आंसर था 84. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग. 51 प्लस 42, 51, सो 51 प्लस 42, 10 10 10 10, 4 टाइम्स 10 हो गया 40 एंड और हमें कितना ऐड करना है 2. सो ये 1 1 2. ठीक है, कितना हुआ, कितना हुआ ये? वेरी गुड, इट इज 93. सो आंसर हमारा होगा 93. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 63 प्लस 15, इसमें हमें 15 ऐड करना है. सो ये हो गया, मैंने 10 ऐड किया. ठीक है, 10 प्लस 5 15 होता है ना, तो ये 10 ऐड किया एंड इसमें ये 5 ऐड किया, तो कितना आंसर हो गया? इट इज 70 एंड इट इज 8, 78. ऐसा मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है. ओके, तो जिन लोगों ने वीडियोस नहीं देखी हैं वो पहले वो वीडियोस जाके देखिए, नहीं तो आपको समझ नहीं आएंगे. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, 26 प्लस 52. सो 26, दिस इज 26 प्लस 52. सो थंब हमारा हो गया 50 एंड देन 1 प्लस 1 2 52. तो ये कितना आंसर हो गया? यस, वेरी गुड, इट इज 70 एंड इट इज 8, इट इज 78. सो आंसर हम लिख लेते हैं 78. नेक्स्ट क्वेश्चन 36, दिस इज 30, 10 10 10 30 एंड दिस इज 6, 36 प्लस 12. सो ये 10 ऐड किया एंड यहां 2 ऐड किया, 12. तो आंसर कितना हो गया हमारा? वेरी गुड, दिस इज 40 एंड दिस इज 8, दिस इज 48. ओके, नाउ हम आते हैं अपने सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन पे. एडिशन के मैंने 5 दिए थे, सब्ट्रैक्शन के मैंने 4 क्वेश्चन दिए थे. ओके, सो नाउ हम लोग सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन कर लेते हैं. दिस इज 36, सो दिस इज 30, दिस इज 6, 36 माइनस 15. 36 में से कितना माइनस करना है? 15. तो पहले 10 माइनस करेंगे अपने लेफ्ट हैंड में से, तो ये हो गया 10 माइनस किया, और अपने राइट हैंड में से हम 5 माइनस कर देंगे, तो ये 15 में से 5 माइनस यहाँ किया, तो आंसर कितना हो गया हमारा? यस, वेरी गुड, इट इज 20, दिस इज 1, 21. सो 21 लिख लिया मैंने. अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 49. सो दिस इज 40 एंड दिस इज 9, 49 माइनस 33, इसमें से 33 माइनस करना है. सो 10 10 10 30 डाउन एंड इधर 3 डाउन, 1 1 1 या 3 डाउन, तो आंसर कितना होगा हमारा? दिस इज 10 एंड दिस इज 6, दिस वुड बी 16. वेरी गुड, सो आंसर हमारा होगा 16. नेक्स्ट क्वेश्चन 26 माइनस 15, इसमें से 15 माइनस करना है, तो पहले यहां से 10 माइनस करेंगे और यहां से 5 माइनस करेंगे, सो व्हाट इज द आंसर? वेरी गुड, इट इज 11. सो यहां मैं 11 लिख देती हूँ. लास्ट क्वेश्चन 38, दिस इज 38
माइनस 25, इसमें से 25 माइनस करना है. सो ये मैंने डाउन किया 20 और यहां से मैंने डाउन किया 5. सो व्हाट इज द आंसर? इट इज 10 एंड दिस इज 3. सो कितना हो गया? 13. वेरी गुड. तो 13 हम लिख देते हैं. ठीक है, तो ये सब मैंने आपको ऑलरेडी कराया था पिछले क्लास में. मैंने जस्ट आपको ये होमवर्क दिया था, मैंने आपको आंसर्स बता दिया ताकि आप अपने फिंगर्स से इसे मैच कर पाओ कि आपने कैसे निकाला था और मैंने कैसे निकाला था. अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो पहले आप वो वाली वीडियोस जाके एक बार और देखिए. ओके, नाउ हम लोग आ जाते हैं अपने लेवल टू पे. हमने लेवल वन तो कंप्लीट कर लिया जिसमें हमने नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखा जो कि बहुत इजी था कैलकुलेट करना. नाउ हम आते हैं लेवल टू में. तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जब क्लास एंड होने वाला था तो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपके पास फिंगर ही अवेलेबल नहीं होंगे. कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पे आप सॉल्व तो करोगे बट उस केस में आपके पास फिंगर अवेलेबल ही नहीं होंगे, है ना. लाइक जस्ट आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल. फॉर एग्जांपल मैं यहां लिख देती हूं 38 प्लस 16. ओके, जैसे एग्जांपल मैंने यहां लिया, ठीक है, 38 प्लस 16. तो 30 निकाल लिया और ये 8 निकाल लिया. यस, दिस इज 30, दिस इज 8. 38, इसमें क्या करना है, हमें 16 ऐड करना है. तो 16 में पहले 10 ऐड करेंगे, तो ये 10 ऐड किया और हमें कितना ऐड करना है, 6 ऐड करना है. अब बताओ 6 कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे हम 6 कैसे निकालेंगे, अपने राइट हैंड में निकालेंगे. राइट हैंड में क्या हम 6 निकाल सकते हैं? अभी नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही हमारा लिटिल फिंगर है जिसकी वैल्यू 10 है. लेकिन हमें कितना निकालना है, हमें तो 6 निकालना है ना. लेकिन हम तो इसकी वैल्यू तो सॉरी लिटिल फिंगर की वैल्यू यहाँ पे 1 है लेकिन हमें तो 6 निकालना है. अब ऐसे केस में क्या करोगे, जब हमारे पास फिंगर ही अवेलेबल नहीं, हमारे पास सिर्फ ये एक 1 की वैल्यू की फिंगर है, हमारे को तो 6 चाहिए. अब ऐसे केस में क्या करेंगे, तो इसी के लिए हम लेवल 2 में पढ़ने वाले हैं कुछ फॉर्मूलाज. ठीक है, तो उनका नाम क्या होता है, दो फॉर्मूलाज होते हैं बस. ठीक है, बिग फ्रेंड फॉर्मूला, स्मॉल फ्रेंड फॉर्मूला. तो पहले हम लोग स्मॉल फ्रेंड फॉर्मूला से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, फिर धीरे धीरे हम बिग फ्रेंड पे भी आएंगे. अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले फॉर्मूला से, दैट इज स्मॉल फ्रेंड फॉर्मूला. ओके, स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, आप लोग मेरे साथ सॉल्व करो. पहला क्वेश्चन है 1 प्लस 4. ओके, 1 प्लस 4 ऐड करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना. चलो स्टार्ट करो. फिर 1 ऐड करेंगे तो 1s निकालेंगे, इसमें 1 ऐड करेंगे. सो ये मैंने ऐड किया 1. यस, अब इसमें कितना ऐड करना है, 4 ऐड करना है. नाउ 4 फिंगर्स और अप करेंगे. अब करो, यहाँ पे क्या मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे हमारे पास थंब है लेकिन इसकी वैल्यू तो 5 है, हमें तो 4 अप करना है. अगर मैं इन 3 फिंगर्स की बात करूं तो उनकी वैल्यू 3 है लेकिन मुझे तो 4 अप करना है ना. अब मैं ऐसे सिचुएशन में क्या करूंगी, ठीक है, अब ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में हमारे काम आते हैं ये स्मॉल फ्रेंड फॉर्मूला. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक छोटी सी फ्रेंडशिप याद रखनी होगी. ठीक है, बहुत सिंपल सी फ्रेंडशिप है. यहाँ देखो फ्रेंडशिप क्या है, 4 का फ्रेंड 1 होता है, 1 का फ्रेंड 4 होता है, इन द सेम वे 2 का फ्रेंड 3 होता है, 3 का फ्रेंड 2 होता है. ठीक है, 4 का फ्रेंड 1 होता है, अगर दो लोग आपस में फ्रेंड है तो हर मतलब दोनों फ्रेंड एक दूसरे के फ्रेंड होंगे ना. तो यहाँ पे 4 का फ्रेंड 1 भी होगा और 1 4 का फ्रेंड होगा. ठीक है, मतलब दोनों आपस में फ्रेंड्स हैं. यस, सो 4 का फ्रेंड 1 एंड 1 का फ्रेंड 4, पहली फ्रेंडशिप ये हुई. दूसरी फ्रेंडशिप 2 का फ्रेंड 3 एंड 3 का फ्रेंड 2. ठीक है, 4 का फ्रेंड 1, 1 का फ्रेंड 4, ऐसे ही 2 का फ्रेंड 3, 3 का फ्रेंड 2. कितनी छोटी सी फ्रेंडशिप है ना, बस ये याद रखनी है आपको. ठीक है, अब देखो क्या करना है आपको, और इसमें आपको याद रखना है स्मॉल फ्रेंड में हमारे पास एक हेल्पर होता है जो हमारी मदद करता है, हेल्पर. ठीक है, जैसे हेल्पर हमारे होते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे हमारा एक हेल्पर होता है. वो हेल्पर कौन होता है, वो हेल्पर होता है हमारा 5, क्योंकि हमारी स्मॉल फ्रेंड में मदद करता है. स्मॉल फ्रेंड फॉर्मूला जब हम यूज करते हैं तो उसमें हमारा हेल्पर कौन होता है, हमें दो ही चीजें आनी चाहिए स्मॉल फ्रेंड फॉर्मूला में. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए हमारी फ्रेंडशिप कैसी है, मतलब ये जो मैं आपको फ्रेंडशिप बताई 4 का फ्रेंड 1, 2 का फ्रेंड 3 एंड वाइस वर्सा, तो वो जो मैं आपको बताया ये आपको याद होना चाहिए. एंड द सेकेंड थिंग आपको याद होना चाहिए, आपको जो है पता होना चाहिए कि हेल्पर कौन होता है स्मॉल फ्रेंड फॉर्मूला में. तो हेल्पर कौन होता है, यस इट इज 5. 5 इज द हेल्पर. तो अब आपको क्या करना है, जैसे ये 1 प्लस 4 वाला क्वेश्चन था तो उसमें मैं अब ये मैंने 1 निकाला, इसमें मुझे 4 ऐड करना था लेकिन फिंगर नहीं था मेरे पास, है ना. 4 मैं डायरेक्टली नहीं निकाल सकती, लेकिन इसके लिए हम यूज करेंगे अपना स्मॉल फ्रेंड फॉर्मूला. तो होता क्या है, यहाँ पे हमें यहाँ पे देखो मैंने हाईलाइट कर दिया हुआ आप लोगों के लिए, जैसे 4 को मैंने यहाँ रेड से हाईलाइट किया है ना. तो यहाँ पे आपको निकालना होगा कि 4 का फ्रेंड कौन है. ठीक है, 1 प्लस 4 है तो पहले आप 1 निकालोगे. ठीक है, और दूसरा नंबर जो ऐड करना है जो कि डायरेक्टली ऐड नहीं हो रहा है तो आप उस नंबर का फ्रेंड निकालोगे. ठीक है, तो 4 का फ्रेंड कौन होता है, हमने जस्ट यहाँ भी पढ़ा 4 का फ्रेंड कौन है, 1 है. ठीक है, 4 का फ्रेंड 1 है, लेकिन सिर्फ फ्रेंड की मदद से हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते. फ्रेंड
तभी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा जब उसके साथ हेल्पर होगा, ठीक है। जो 4 का फ्रेंड है 1, वो प्रॉब्लम को सॉल्व अकेले नहीं कर सकता, उसको एक हेल्पर की जरूरत है। एंड मैंने आपको जस्ट अभी बताया था हेल्पर कौन होता है, वेरी गुड, हेल्पर इज 5, ठीक है। तो हमने यहाँ निकाला था 1, इसमें हमें 4 ऐड करना है, तो हमें 4 ऐड करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 4 का फ्रेंड कौन होता है, 4 का फ्रेंड होता है 1, यस, एंड हेल्पर है हमारे पास 5। तो यहाँ होता क्या, हेल्पर क्या बोलता है कि मैं अप हो जाता हूँ, मतलब मैं ऐड हो जाता हूँ, ओके। हेल्पर कौन है, 5 बोलेगा मैं ऐड हो जाता हूँ और फ्रेंड तुम सब्ट्रैक्ट हो जाओ, यानी जो 4 है 4 का फ्रेंड कौन है 1, तो 1 क्या होगा, 1 डाउन हो जाएगा, मतलब 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, डाउन हो जाएगा मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो फिंगर हम डाउन कर देंगे। तो ये 1 मैंने डाउन किया और हम हेल्पर को अप कर देंगे, यानी 5 को अप कर देंगे, सो द आंसर विल बी 5। समझ आया, मैं एक और बार समझाती हूं। दूसरा क्वेश्चन यहां देख लो, 4+1, ठीक है, 4+1 करना है। तो मैंने ये निकाला 4, इसमें मुझे ऐड कितना करना है 1, अगेन फिंगर है हमारे पास क्या 1 निकालने के लिए। मैं यहां देख रही हूं कि मेरे पास ये चारों को छोड़ के सिर्फ एक थंब है जिसकी वैल्यू 5 है। तो ये जो आपका स्मॉल फ्रेंड फॉर्मूला है ये तभी वर्क करता है जब आपके पास 5 होगा, ठीक है, 5 होगा तभी आप इन स्मॉल फ्रेंड फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। स्मॉल फ्रेंड फॉर्मूला क्या बोलता है कि अगर तुम्हारे पास 5 अवेलेबल है तभी मैं तुम्हारे काम आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा, ठीक है। तो आपके पास अभी 5 अवेलेबल है ना, ये थंब हमारे पास है, अभी इसको उठाया नहीं गया है, तो यानी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो हमको कितना ऐड करना है, 4 में कितना ऐड करना है, 1 ऐड करना है, यस। तो यहाँ पे 4 में 1 ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, अगेन सेम थिंग करेंगे, 1 क्या ऐड करना है, 1 ऐड करना है, तो 1 का फ्रेंड निकाल लेंगे। 1 का फ्रेंड कौन होता है, हमने यहाँ जस्ट देखा 4 का फ्रेंड 1, 1 का फ्रेंड 4, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फ्रेंड निकाल लेंगे, तो फ्रेंड क्या बोलेगा कि मैं डाउन हो जाता हूँ, हेल्पर तुम अप हो जाओ, ठीक है। ऐसे था ना हमारा फिंगर, हेल्पर कौन है 5 है, तो 5 बोलेगा मैं अप हो जाता हूँ, यानी मैं हेल्पर हूँ, मैं अप हो जाता हूँ, और फ्रेंड बोलेगा मैं डाउन हो जाता हूँ, तो आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। समझ आया आप लोगों को, तो ऐसे ही हमारा रूल होता है। देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारा रूल है, सिंपल सा रूल है। अगर आपको +1 चाहिए, ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमें +1 चाहिएगा, है ना, 4 हमने निकाला था और यहाँ पे सिचुएशन में 4 हमने निकाला था, हमें +1 ऐड करना था। तो +1 का फॉर्मूला क्या था कि हम हमें 4 में 1 ऐड करना था, तो 1 का फ्रेंड 4 उसको डाउन कर देंगे और हेल्पर को अप कर देंगे, यस। तो वही सेम चीज है यहाँ पे, 4 का फ्रेंड 1 का फ्रेंड 4 है, ठीक है, -4, तो यहाँ पे हम -4 यानी डाउन कर लेना, ठीक है। माइनस मतलब कंफ्यूज मत होना, माइनस मतलब डाउन कर देना फिंगर्स को, प्लस मतलब अप कर देना फिंगर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें +1 की जरूरत है और हमारे पास फिंगर नहीं है, तो हम लेकिन तब ये कब कर सकते हैं हम लोग, जब हमारे पास 5 अवेलेबल है, हाँ ये याद रखना, ऐसा नहीं कि 5 अवेलेबल नहीं फिर भी लगाए जा रहे हैं, नहीं फिर नहीं होगा आपसे क्वेश्चन, ठीक है। तो आपके पास उस समय 5 अवेलेबल होना चाहिए, आगे हम और सीखेंगे जब 5 अवेलेबल नहीं होगा तब क्या करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए अगर आपके पास क्वेश्चन में 5 अवेलेबल है और आपको चाहिए 1, ठीक है, आप डायरेक्टली 1 ही निकाल सकते, तो आप फॉर्मूला क्या करोगे कि आप 1 के फ्रेंड 4 को डाउन कर दोगे और हेल्पर यानी 5 को अप कर दोगे। ऐसे ही अगर आपको +2 चाहिए, ठीक है, आपको +2 चाहिए, आपको 2 फिंगर अप करना है लेकिन डायरेक्टली नहीं कर सकते, अगेन सो यहाँ पे 2 का फ्रेंड मैंने आपको बताया था ना, 2 का फ्रेंड 3 एंड अगेन 3 का फ्रेंड 2, है ना। तो वैसे ही अगर आपको +2 करना है, अगर आपको 2 अप करने हैं, तो आप क्या करोगे, -3 यानी 3 फिंगर डाउन कर दोगे एंड हेल्पर यानी 5 को अप कर दोगे। ऐसे ही अगर आपको +3 करना है, तो 3 का फ्रेंड हो गया 2, तो 2 को माइनस कर देंगे, 2 को डाउन कर देंगे एंड अगेन हेल्पर को अप कर देंगे। सेम जैसे आपको +4 करना है, तो आप -1 कर दो यानी एक फिंगर डाउन कर दो एंड 5 को अप कर दो, हेल्पर को अप कर देंगे। ऐसे ही आपके माइनस के केस में भी होता है, ठीक है, माइनस के केस में भी ऐसा होता है, बस साइन का थोड़ा डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ पे प्लस करना था तो हम लोग क्या कर रहे थे, -4+5। ऐसे अगर आपको -1 चाहिए, जैसे हम क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड भी, जैसे 5-1 करना है, ये 5 है मेरे पास, इसमें से मुझे 1 माइनस करना है, ठीक है, ये 5 है इसमें से 1 माइनस करना है, तो अब डायरेक्टली तो होगा नहीं, होगा क्या माइनस इसमें से 1, यस नहीं होगा, ये 5 है हमारे पास, तो इसके लिए हमारे पास अगेन फॉर्मूला होगा, ठीक है, हमको ये डाउन करना रहेगा। तो हम क्या करेंगे कि हम ये 5 डाउन करके 4 अप कर देंगे, तो -1 हो गया। तो ये फॉर्मूलाज आपके पास होते हैं जिससे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो आपको ये फॉर्मूलाज दिमाग में याद रखने, रटने नहीं है, आपको लॉजिक को समझना है। ऐसे अगर मैं आपको बताया कि आपको -1 करना है, अगर आपको -1 करना है, जैसे यहाँ पे आपको -1 करना था, तो आप क्या करोगे, +4 करके -5 कर दोगे। जैसे यहीं पे था, मैं वापस यार बता देती हूँ, 5 था आपके पास, आपको -1 करना था, इसमें से -1 करना था, तो फॉर्मूला क्या कहता है कि 4 ऊपर कर लो, 4 ऊपर कर लिया और हेल्पर को डाउन कर दो यानी -5 कर दो, तो आंसर कितना आएगा,
4 आएगा ना, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको माइनस 2 करना है, ठीक है, आपके पास फिंगर नहीं है, डायरेक्टली नहीं कर सकते, अगेन क्या करेंगे, माइनस 2 का फ्रेंड लेंगे, मतलब 2 का फ्रेंड लेंगे 3, तो 3 क्या बोलेगा, मैं अप हो जाता हूँ और हेल्पर तुम डाउन हो जाओ, ठीक है। हेल्पर किसके साथ जाएगा, देखो एक चीज आपको यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि अगर हमें माइनस 2 करना है ना तो हेल्पर भी माइनस में जाएगा, अगर हमें माइनस 3 करना है तो हेल्पर भी माइनस में जाएगा, अगर हमें माइनस 3 प्लस 3 करना है तो हेल्पर भी प्लस में जाएगा, मतलब साइन सेम रहता है, ठीक है। अगर आपको प्लस 3 करना है तो हेल्पर भी प्लस हो जाएगा, अगर आपको कोई चीज डाउन करनी है तो हेल्पर भी डाउन हो जाएगा सिचुएशन में, ठीक है। यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होगे जहां पे भी प्लस है, मतलब जहां पे भी फिंगर अप करने हैं वहां पे हेल्पर भी अप हो रहा है ना, और फ्रेंड डाउन हो रहा है ना, और जहां पे आपको डाउन करने हैं वहां पे हेल्पर भी डाउन हो रहा है लेकिन फिर आपका फ्रेंड अप हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको नोटिस करके ध्यान में रखना है, दो चीजें बस दिमाग में रखनी है, फर्स्ट इज योर फ्रेंडशिप, ये छोटी सी फ्रेंडशिप आपको याद रखनी है, एंड सेकेंड थिंग इज योर हेल्पर यानी आपका 5, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पे हमने फॉर्मूला ये देख लिए हैं, आई होप आप लोगों को फॉर्मूला समझ आ गया, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, प्लस 1 है तो माइनस 4 प्लस 5 कर देंगे, माइनस 1 है तो प्लस 4 माइनस 5 कर देंगे, और आप इससे ट्रिक से याद रख सकते हो कि अगर आपको मतलब माइनस 1 करना है यानी 1 फिंगर डाउन करना है, तो 1 फिंगर आपको माइनस 1 अगर करना है तो हेल्पर भी माइनस में ही होगा, मतलब अगर आपको माइनस 1 करना है तो आपका हेल्पर यानी 5 भी डाउन होगा लेकिन आपका जो माइनस 1 है उसका फ्रेंड कौन होगा, 4, वो अप हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड हमेशा अपोजिट जाएगा, फ्रेंड का साइन हमेशा अपोजिट होगा, अगर आपको माइनस करना है तो फ्रेंड अप हो जाएगा, मतलब फ्रेंड प्लस हो जाएगा, अगर आपको प्लस करना है तो फ्रेंड माइनस हो जाएगा, लेकिन हेल्पर आपके सेम साइन के साथ रहेगा, हेल्पर जैसे जैसे आप जाओगे हेल्पर वैसे वैसे रहेगा और फ्रेंड का अपोजिट हो जाएगा, समझ आया कैसे करना है, यस ओके। एंड मैं ये जो बिग फ्रेंड लिख रखा है, जैसे यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, करो मेरे साथ एक बार, ये 28 28, इसमें कितना ऐड करना है, 3 ऐड करना है, अगेन 3 इसमें ऐड करो, यस यहाँ पे भी हमारे पास 3 ऐड नहीं होगा, क्योंकि देखो हमारे पास एक ये सिर्फ और सिर्फ ये 1 की वैल्यू वाली फिंगर है और हमारे पास कुछ अवेलेबल नहीं है, है ना। तो ऐसे केस में हम लोग ये वाला रूल भी नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, ऐसे केस में हम ये वाला रूल लगा के भी नहीं देख सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास होते हैं बिग फ्रेंड फॉर्मूला, जो कि मैं आपको बताया, मैं आपको आगे बताऊंगी, ओके। तो आपको अभी समझना इसको अच्छे से, बिकॉज आपके लिए पहले ये स्मॉल फ्रेंड इंपॉर्टेंट है, तब आप बिग फ्रेंड समझ पाओगे, अगर स्मॉल फ्रेंड समझ नहीं आएगा तो बिग फ्रेंड तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो स्मॉल फ्रेंड बहुत ही छोटा सा है, फ्रेंडशिप याद रखो, हेल्पर याद रखो, हो गया सॉल्व। और ये जो मैंने ट्रिक बताई कि ये जो आपका आपको जो भी करना रहेगा, आपको अगर डाउन करना है तो हेल्पर भी आपके साथ डाउन हो जाएगा, अगर अप करना है तो हेल्पर भी अप होगा, लेकिन हेल्पर तो आपके साथ ही चलेगा लेकिन जो फ्रेंड है वो अपोजिट चला जाएगा थोड़ा, मतलब उसका साइन चेंज हो जाएगा, अगर आपको माइनस करना है तो फ्रेंड प्लस रहेगा, अगर आपको प्लस करना है तो फ्रेंड माइनस रहेगा, हेल्पर साथ साथ रहेगा, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पे, तो मैं आपको क्या बता रही हूँ, देखो मैं क्लास हर क्लास में आपको ये जो स्मॉल फ्रेंड है उसके एक एक फॉर्मूलास के क्वेश्चन कराऊंगी, सब एक साथ नहीं कराऊंगी, नहीं तो सब मिक्सड अप हो जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा, है ना, इसीलिए मैं एक एक करके कराऊंगी। आज हम लोग करेंगे ये प्लस वन, ये जो प्लस वन और माइनस वन का है हमारा रूल, उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। ये जो एरिया है आपका पूरा होमवर्क रहेगा, ये हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज, ठीक है, तो आप मेरे साथ सॉल्व करिएगा, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो पहला हमारा क्वेश्चन है 54 प्लस 41, तो ये हो गया 50, ये हो गया 4, 54, इसमें कितना ऐड करना है, 41, मैंने किया यहाँ पे 40 ऐड, ठीक है, 10 10 10 10, 40, और इसमें कितना ऐड करना है, 1 ऐड करना है, मतलब प्लस 1 करना है, ठीक है। तो अगर आपको अभी के लिए याद नहीं है तो आप साइड में लिख के रख सकते हो फॉर्मूला, बट आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप इसे याद रखो, बिकॉज हर समय आपके साथ ये फॉर्मूला नहीं रहेगा, बट अभी नया नया सीख रहे हो तो कम से कम आपके हाथ पे कमांड हो जाए, आपके दिमाग में आ जाए, इसलिए आप अभी लिख के भी रख सकते हो, ठीक है, ओके। तो हाँ, तो हमें यहाँ क्या करना था, इसमें हमें क्या करना है, प्लस 1 करना है। तो प्लस 1 का फॉर्मूला क्या कहता है, प्लस 1 का फॉर्मूला है कि माइनस 4 कर दो, यानी प्लस का जो 1 का फ्रेंड 4 है उसको डाउन कर दो और हेल्पर को अप कर दो, ठीक है। 1 का फ्रेंड 4 उसको डाउन कर देंगे, हेल्पर को अप कर देंगे, आंसर कितना आएगा, वेरी गुड, इट इज 95 95, ओके। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 64 प्लस 31, यस 64 प्लस 31, तो 64 कितना ऐड करना है इसमें, 31, तो ये मैंने किया 30 ऐड, ठीक है, 10 10 10 30, और कितना ऐड करना है, प्लस 1 करना है ना, 1 ऐड करना है, तो अगेन हमारे पास प्लस 1 का फॉर्मूला है, प्लस 1 का फॉर्मूला है, 1 का फ्रेंड होता है 4, वो डाउन हो जाएगा एंड हेल्पर अप हो जाएगा, तो आंसर कितना होगा, अगेन आंसर कितना होगा, 95, ठीक है।
इसका भी आंसर आ गया हमारा 95, दोनों का आंसर 95 ही आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 34 प्लस 11, इसमें हमें कितना ऐड करना है, 11 ऐड करना है। तो ये मैंने 1 ऐड किया और इधर मुझे और 1 ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 11 है तो 11 में यहाँ पे मैंने 10 ऐड किया। ठीक है, और हमें कितना ऐड करना है, और 1 ऐड करना है। तो 1 ऐड करने के लिए क्या करेंगे, हमें प्लस 1 का फॉर्मूला अगेन चाहिए। तो प्लस 1 का फॉर्मूला क्या कहता है, 1 का फ्रेंड 4, उसको डाउन कर देंगे और हेल्पर को अप कर देंगे। आंसर कितना आएगा, 45। ओके, सो यहाँ पे आंसर मैं लिख देती हूँ, 45 योर आंसर। ठीक है, ओके, सो नाउ हमारे पास है सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन, सो ये सॉल्व कर लेते हैं। ओके, 75 माइनस 21, सो दिस इज 50 प्लस 10 60 प्लस 10 70, दिस इज 70 एंड दिस इज 5। 75 माइनस कितना करना है, माइनस करना है 21, तो ये मैंने डाउन किया 20, और हमें कितना करना है, इसमें से हमें करना है माइनस 1। तो अगेन हमारे पास है माइनस 1 का फॉर्मूला, दैट इज प्लस 4 कर देंगे एंड हेल्पर को डाउन कर देंगे। तो हेल्पर हमारा डाउन हो गया, प्लस 4 हो गया, यस, हेल्पर यानी 5 डाउन हो गया एंड 4 अप हो गया। सो आंसर कितना आएगा, 50 एंड दिस इज 4, सो आंसर वुड बी 54। तो मैं लिख देती हूँ 50 एंड 4। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 95, दिस इज 90 एंड दिस इज 5, 95 माइनस 61 माइनस 61, तो 60 माइनस करेंगे तो ये 50 डाउन किया एंड एक 10 डाउन किया, 60 डाउन हो गया एंड और हमें क्या करना है, माइनस 1 करना है। तो अगेन हमारे पास है माइनस 1 का फॉर्मूला, दैट इज प्लस 4 माइनस 5, तो प्लस 4 कर देंगे एंड हेल्पर यानी 5 को डाउन कर देंगे। यस, सो व्हाट्स द आंसर, इट इज 34। ओके, सो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 34। नेक्स्ट क्वेश्चन, 85, दिस इज 80 एंड दिस इज 5, 85 माइनस 31 माइनस 31, तो ये 10 10 10, 30 एंड हमें कितना करना है, माइनस 1 करना है अगेन। तो माइनस 1 का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, माइनस 1 का हमारे पास फॉर्मूला है प्लस 4 माइनस 5, दिस इज प्लस 4 एंड माइनस 5 यानी हेल्पर डाउन। तो आंसर कितना होगा, 50 एंड दिस इज 4, 54। ओके, सो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 54। ओके, नाउ हमारे पास एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, ये लिस्ट आप बोल सकते हो लिस्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, इसी प्लस 1 और माइनस 1 के फॉर्मूला पे बेस्ड है, बट इसमें आपके पास दोनों है, प्लस भी है माइनस भी है। ठीक है, तो इससे समझ आ जाएगा आपको, समझ आया कि नहीं, ये स्मॉल फ्रेंड फॉर्मूला का पहला वाला। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वन, 95 95, ओके, 95 माइनस 41, तो ये मैंने किया डाउन 40 एंड हमें कितना करना है, माइनस 1 करना है। तो माइनस 1 का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, 4 अप 5 डाउन। ओके, देन हमें आगे क्या करना है, प्लस 31 प्लस 31, सो 10 10 10 10 30 एंड कितना करना है, और 1 ऐड करना है, प्लस 1 करना है। तो प्लस 1 का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, माइनस 4 प्लस 5, सो माइनस 4 प्लस 5, सो व्हाट इज द आंसर, वेरी गुड, इट इज 80 एंड दिस इज 5 85। ओके, आगे क्या है हमारे पास, 85, उसके बाद आ गया, उसके बाद हमें क्या करना है, माइनस 55। ठीक है, माइनस 55, तो 55 डाउन करेंगे, तो यहाँ से पहले 50 डाउन करेंगे, लेफ्ट हैंड में से 50 डाउन किया, राइट हैंड में से 5 डाउन किया एंड लास्ट में क्या करना है हमें, प्लस 67 प्लस 67, तो ये 50 वापस अप किया एंड ये 10 अप किया 60 एंड कितना करना है, 7, तो ये 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, तो आंसर कितना आया हमारा, इट इज 90 एंड दिस इज 7 97। ओके, समझ आया ना, ओके, नाउ यहाँ मैं लिख देती हूँ 97। अब नाउ हम लोगों ने आज का जितना मुझे आपको पढ़ाना था स्मॉल फ्रेंड फॉर्मूला, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिया है। अब आपका काम क्या है, आप चाहो तो आप वापस से सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आप अपने होमवर्क कंप्लीट करो। ओके, होमवर्क इसी पे बेस्ड है, कुछ अलग नहीं है, सेम ही टाइप के क्वेश्चन है, बस नंबर्स अलग है। ठीक है, अगर आप ये होमवर्क कर लेते हो यानी आप समझ गए हो स्मॉल फ्रेंड फॉर्मूला, अगर नहीं समझो तो आप वीडियो को वापस से देखो एक बार, ये स्मॉल फ्रेंड वाला पार्ट जो मैंने आपको समझाया है। यस, ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, होमवर्क याद से कर लेना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर एंड बाय बाय।